actually standing here facing everything. God knows after 5-6 years we're gonna show it to everyone. We made it! We made it! We made it! For free! ये जितने भी शूज़ हैं इसके अंदर भी ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने शूज़ घर में रहेंगे, तो आधे शूज़ लेके वो घर पे रखने, मैंने पूरा वो शूज़ के लिए वो वॉलड्रॉप शूज़ के लिए बोल सकते हैं वट एवर वो मैंने बनाया है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपको याद होगा लास्ट ईयर हम लोगों ने एक शैनजेनिक्स का आउटलेट डाला था इधर, जो कि शॉप्स लगते रहते हैं, तो इस बार भी हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है, बट वी आर वेटिंग फॉर द रेंज टू गो। अभी बारिश चली गई, दो को पकड़ आते हैं, लगते बंदे ने गलती से तीन दे दिया। और ईरानदानी में बहुत सारे पॉपअप स्टोर आते हैं, ये अच्छी बात है, तो हम लोग थोड़े बिजी थे इस बार नहीं कर पाए, लेकिन अभी 3-4 दिनों में मैं इंस्टाग्राम में प्रॉपर डेट बोलूंगा एंड शानिश तो अपने मिनी ब्लॉग्स में बोल ही देगी, ऑफ कोर्स जब ब्लॉग आएगा तो मैं भी बनाऊंगा। हम लोग अपना पॉपअप स्टोर डालने वाले हैं, तो अगर आप फ्री रहोगे उस दिन तो प्लीज अपना प्यार दिखाने के लिए जरूर आना। ये हो रहा है आज मेरा लंच एंड टुडे आई एम गोइंग फॉर 1 meal a day, क्योंकि दवाई की वजह से थोड़ा मुझे ऊपर नीचे खाना पड़ता था, तो आई वाज लाइक नो आज 1 meal a day करेंगे, बिकॉज आज सब कुछ ठीक हो गया है एंड व्हाट बेटर देन ईटिंग मम्मी का हाथ का खाना। तो ये रही अपनी दाल, थोड़ा ज़्यादा ही दाल है, 2 रोटी खाऊंगा एंड ये बीन्स की सब्जी। खाना खाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया है, कल इसको मैंने क्लीन नहीं किया। और अरे अरे मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं आता। अरे ए भगवान क्या चल रहा है, क्या करती हो तुम मम्मी? पानी वाला है, चल रहा है, नाटक मत कर ज्यादा। अरे नाटक मत कर, तुमने तो गिरा दिया यार। गिरा दिया तो क्या हो गया? अरे सॉरी तो बोलो, जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे। अरे कीड़े मकोड़े मम्मी क्लीन कर दो ना, कुछ नहीं यार। कैसा मम्मी यार तुम भी यार, कसम से जितना सोचा था उतना जला नहीं है। अभी मम्मी बैंडेज लगा दी क्योंकि मुझे बाद में जिम भी जाना है, तो जिम में जिम में ऐसे काम मत करना, नहीं नहीं लटकना वो लटकना बच्चों जैसे काम। अरे मम्मी जिम में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये तो होता रहता है मम्मी। अरे ये नहीं होना चाहिए, पर कुछ नहीं होता मम्मी, अभी वजन भी ज्यादा है तो ये लो। मस्त वाला लेग वर्कआउट खत्म किया। एक्चुअली आज खाना खा के आया ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब लाइट खाना खा के वर्कआउट करो या फिर हैवी यू नो दाल और रोटी खा के वर्कआउट करो, तो बहुत फर्क होता है। लेकिन मेरी मम्मी बहुत घी डालती है भाई साहब, हम सबकी मम्मियाँ डालती है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत लेजी लेजी फील होता है और ऐसे लगता है कि यार जा नहीं रहा। लेकिन जब आप पूरा माइंड से फोकस करके वेट उठाओ ना, तो मस्त वाला वर्कआउट होता है। तो आज अपन ने वही लेग वाला किया, नॉट द बेस्ट वर्कआउट बट इट वॉज अ गुड वर्कआउट। शानी ने सिर्फ आज वॉकिंग किया, अभी वॉक इसके लिए आज रो नहीं रही यहाँ पर चलने के लिए, वरना लेग वर्कआउट के बाद नो निखिल आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर फॉर सम रीज़न। ना आज बहुत ह्यूमिडिटी है, मतलब वॉक भी कर रहा हूँ ना पसीना आ रहा है, और यहाँ हवा नहीं चलती, यूजली हवा बहुत हवा चलती है। जस्ट बिकॉज मैं एवरीडे व्लॉग में नहीं दिखाता इसका मतलब नहीं मैं करता नहीं। मैं भी आपकी तरह सोचता था कि एवरी सेलिब्रिटी का मॉर्निंग रूटीन ये क्यों रहता है कि अपना फेस ठंडे पानी में दे मारो, और जब करने लगा तो मालूम पड़ा इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, आप भी किया करो। जो लोग नॉर्थ इंडिया से देख रहे हैं उनको विंटर में करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपके नल में इतना ठंडा पानी आता होगा, लेकिन जो बाकी के लोग देख रहे हैं और बाकी के टाइम प्लीज इसको फॉलो करो। इट डजंट रियली मैटर आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है, ये चीज किया करो। और ड्राई से याद आया विंटर आने वाला है, विंटर में हम सबको ढेर सारा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी पड़ती है। वेल रेगुलर मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिस मॉइस्चर करती है, लेकिन दैट टू हैवी ऑन द स्किन, बहुत ऑयली ऑयली लगता है। मुझे कैम ब्रिटिशर सबको चाहिए होती है ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो अच्छे से स्किन को मॉइस्चर भी करे, ग्लोइंग भी रखे और नॉन स्टिकी। मैं अक्सर देखता हूँ लड़कों को कि सुबह सुबह नहा लिया धो लिया क्रीम लगा लिया, शोभित को भी देखा मैंने, और बस बाहर चल लिए और दिन भर मुंह धो रहे हैं, लग रहा है कुछ भी फेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रात को आके ऐसी सो गए। नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ता है, आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोशिश करो कैरी करने का। सो दिस इज माय टू गो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मामाअर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद विटामिन सी एंड गो टू कोला, इसको मैं अपने साथ रखता हूँ। आप भी अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम है तो आपके पास ही रखा करो, दिन भर में मॉल में आ जाके फेस धोते हो ना अप्लाई किया करो, इट्स गुड टू हैव दैट। 2 दिन ब्रेक लिया, अच्छे से काम कर रहा था, हार्ड डिस्क रिपेयर कर रहा था, घर पे था, एसी में था, स्किन एकदम ड्राई हो गई, अभी फुल ऑन बाहर जाके काम करना है, लोगों से मिलना है। चलो भाई थोड़ी सी क्रीम लेते हैं, ज्यादा नहीं, एंड इट्स एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑयली आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड ओ माय गॉड दिस स्मेल सो फ्रेश, ओके। एंड ऑफ कोर्स एक और स्टेप ऐड करना है, तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने का एक तरीका होता है, यूजुअली हम ऐसे से लगाते हैं, अगर आपको एक दो वीडियो देख के सीखना है तो इस तरह का एक मसाज होता है, डू इट ओनली वेन 25+, 25 के बाद थोड़ा जरूरत पड़ती है इस तरह की मसाज करने की। सेम लाइटिंग कंडीशन में सेम जगह पे मैं जानबूझ के बैठा था कि आपको डिफरेंस जो है वो समझे, और ऑफकोर्स 4K में डिफरेंस नहीं समझे ऐसा हो ही नहीं सकता। और आजकल मैंने नेक पे लगाना भी शुरू कर दिया, बिकॉज शानिश टोल्ड मी निखिल डोंट पुट सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर ओनली ऑन योर फेस, पुट ऑन योर नेक ऑल्सो।
because this part also gets damaged. मैं बोला okay okay if you say so definitely करेंगे. Boys take notes. थोड़ा अपना humor डाल के बात करूँगा. मेरा एक दोस्त ने मुझे सिखाया था कि life का सबसे important vitamin होता है vitamin M which is vitamin money. Vitamin money आता है तो life में बहुत सारे benefit आते हैं. उसी तरह vitamin जो C इसके अंदर है वो बहुत सारे added benefit लेके आता है अपने skin के लिए. This is the benefit of glowing skin and of course adds lot of moisture to your face also. क्या मस्त लिंक किया ना. I'm 100% sure you guys are going for this product. There'll be link in the description box below. And don't forget to use my coupon code Nikhil2023 और अगले साल जाएगा Nikhil2024. दो महीने बचे हुए guys. दो महीना. ये साल का मतलब 10 महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. दो महीने में जिम जाओ, फेस का ध्यान रखो, काम करो, रील थोड़ा कम देखो, यूट्यूब ज्यादा देखो. वंस अगेन Nikhil2023 है कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. और एक कमाल की बात देखो कि स्काइप को मैंने यहाँ छोड़ा अभी और वो बराबर चल के हमारी गाड़ी के सामने जा रही है जो कि इधर पार्क्ड है. उसको मालूम है हमारी गाड़ी कौन सी है, लेकिन बेटा हम गाड़ी में नहीं जा रहे. स्काई आई हैव जस्ट टेकन इसको नीचे बस वॉक के लिए लेके आया हूँ. गाड़ी के सामने खड़ी है बेटा. वॉकिंग वॉकिंग बस. जब आंखें खुली तो सोचा कि चलो थोड़ा पुराना हार्ड डिस्क खोल के जरा कोई पुराना वीडियो निकाल के रील में डालते हैं. लेकिन मुझे थोड़ा पैनिक अटैक आया क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क रीड ही नहीं हो रहा था. एंड लाइक इन इडियट मैंने कभी उसका बैकअप नहीं लिया. भाई तो जिनको नहीं पता कि जो मैंने हार्ड डिस्क दिखाई ये वाली, ये इसके अंदर हुआ करती थी जो अभी बाहर है. एंड ये मेरा सब 2008 से जितना भी मैंने शूट किया है तो मेरे को पहले से गंदी आदत है सब कुछ स्टोर करके रखने की. एंड मैं बहुत सेफली रखता हूँ. तो जब ये नई रीड हुआ तो मेरा टेंशन आया, मैंने खोल दिया, मैंने शायद पूरा अंदर रस्ट वस्ट हो गया. सो आई वॉज लाइक क्या कुछ गड़बड़, शायद केबल का प्रॉब्लम होगा. तो केबल का ही प्रॉब्लम था, मैंने केबल ऑर्डर किया है. बट अगर वो ठीक नहीं भी होता है तो एक हार्ड डिस्क रीडर होता है वो 2 USB कुछ तो होता है, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है. तो पूरा खोल खल के अपन इसका आज कल परसों में ऑपरेशन कर डालेंगे, लेकिन चालू करके रहेंगे. अभी किसी को दे सकता नहीं मैं रिपेयर कराने के लिए, जो है वो खुद ही करना पड़ेगा. खराब तो खराब, मैं बोलूँगा मेरी किस्मत है पूरा चलेगा फुटेज, बट कोई नहीं. मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था ऐसी फ़ोटोज़ देखने के लिए एंड बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई. तो यू नो आईफोन में आप ऐसा साल का पूरा देख सकते हो राइट, कौन सा भी साल या टाइम खोलना है. तो मैं स्वाइप डाउन करते करते क्या करता गया एंड देन ये देखो ऊपर दिख रहा है 1979. मैंने बोला यार 2007 तक आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने सब अपने हार्ड डिस्क से ट्रांसफर किया. इसमें फोटो जो मैं बोल रहा था हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, मेरा होपफुली ठीक हो जाएगा. बट 1979 क्या है, मैंने क्लिक किया एंड इट वाज पिक्चर्स ऑफ आर अभी जो हम लोग यूरोप गए थे उसका विजिट था. बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आया 1979 क्यों आया. बेसिकली आया 1 January 1979. थोड़ा बहुत जब मैंने सोचा था मुझे समझ में आया कि हम लोगों ने वहाँ पर एक फोटोग्राफर हायर किया था जिसने अपने पुराने कैमरे से हमारी फ़ोटो खींची थी और उसने ट्रांसफर के थ्रू हमको फोटोज दे दिए थे. तो उसका जो कैमरे की सेटिंग थी वो 1 January 1980 थी. अब उसके कैमरे में 1980 सेटिंग क्यों थी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इसके वजह से रीड करता है. और कमेंट्स तो भाई कमाल के, मैंने रील बना के डाला. मेरा कैमरा नेचुरली मुझे DH करता है. भाई साहब रात को कर दिया मैंने इस हार्ड डिस्क का छींचा लेदर पूरा स्क्रू से खोल दिया. अब वो क्यों खोला मैं आपको 2 मिनट एक सेकंड में बताता हूँ. जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस तरह की हार्ड डिस्क किसी को दे नहीं सकता, तो मैं बोला क्या किया जाए. तो मैंने लिटरली घंटों तक इंटरनेट पर रिसर्च किया और मुझे एक केबल के बारे में मालूम पड़ा कि ये वाला ये और वन डे में ही मेरे को डिलीवर हो गया. और मैंने क्या किया, मैंने पूरा हार्ड डिस्क खोल दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया एंड फाइनली ये रीड हो गया. रीड का एकदम फास्ट रीड हुआ, मतलब वो पूरी थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी करके प्रॉब्लम इतना फास्ट रीड नहीं हो रहा था, तो बहुत अच्छा रीड हुआ. एंड आई वाज सो ग्लैड, मतलब मैंने मेरे और शानेस के पुराने पिक्चर्स मैंने शानेस को भेजे एंड देन आई वाज वाचिंग और कतरस. ये देखते देखते मेरा कल पूरा टाइम चले गया बिकॉज देर आर मोर देन 60-70,000 प्रॉब्लम फोटोज एंड वीडियोज इन साइड. यू नो वॉट इज द बेस्ट पार्ट है कि यूट्यूब करियर के शुरू होने के पहले की सारी फोटोज एंड पिक्चर्स, मतलब मैं कब शूट करता था. आपको याद है मैं हमेशा बोलता था कि जब दोहा मतलब हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तो आप बहुत ही फुल फ्लैज में चालू है, लेकिन जब वो बन रहा था आई वॉज देयर एंड यू नो वी हैड एक्सेस टू ड्राइव इनसाइड. और मैं बाकायदा मैंने लिटरली रनवे के बाजू में रनवे के ऊपर भी मैंने गाड़ी चलाई है. तो उसमें से कुछ वीडियोज़ जो हैं वो मैं अभी शेयर करता हूँ, आप देखो जाके. मुझे पता नहीं आपको कितना समझेगा. इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग फ्रॉम दोहा कतार देन यू नो वेयर आई एम स्टैंडिंग. दिस इज़ द न्यू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन. Just the passenger terminal. Before we were there in cargo and catering area. That is also very big. अरे what is this? This is an aeroplane. This is for Boeing. 380. ये मतलब अरे ये airport है? अरे ये open. ये तो taxi वाला है. हाँ. इधर तो मतलब मैं aircraft खड़े रहने वाला है. अरे ये मस्त जगह पे आ गए. वो किसी में ना aeroplane दिख रहा अपने को. हाँ. मतलब हम लोग पीछे side में. We are the back side. नहीं actually ना terminal.
Okay, we are at the new Doha International Airport runway area. That is the full thing is airport. Okay, this is the taxi area and this is where they're gonna take off from. It's, I don't know whether you can see, it's all the way from there. And it's just like the Osaka airport. Can you see the red thing? And that thing is a light so that the aircraft can see. And that thing is a cross mark. I don't know where it's coming or no. Strip facing that direction. And zoom, take off. If you listen carefully, then me and my friend are shocked that we are on the airport side. And that's why, because look, our promotion, so we had a little access. कि जो एयरपोर्ट बन रहा है उसको देखने का, ताकि हम आपस में लोगों को बोल सके कि बिकॉज वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एयरपोर्ट टू बी बिल्ट. अभी तो बन के सब चालू हो गया. और उस टाइम क्या हुआ था कि हम जब हमें एक्सेस मिला था तो हमें सिर्फ बैक साइड देखने का एक्सेस था. हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम गाड़ी लेते लेते किस तरह लिटरली जहाँ पर टैक्सिंग एरिया है वहाँ पर गाड़ी लेके आ गए और हमें कोई भी सिक्योरिटी ने रोका नहीं. सो वी वर ओवरवेल्म्ड, वी वर शॉक्ड. एंड मेरे पास ऐसे काफ़ी सारी फुटेज है कि मैं एक्चुअल में रनवे पे हूँ, जो कि आई डोंट थिंक वो डालना पड़ेगा, वरना 100% दोहा से मोर्चा निकलेगा, वो मुझे नहीं करना, मेरा वहाँ जाना मुश्किल हो जाए. आई डोंट थिंक वो सब चीज़ दिखाने लायक होती है. देखो भाई साहब, इसके अलावा ढेर सारे वीडियोस और हैं अगर आपको देखना है. अगर आप इससे बोर नहीं होते देन मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ 2-4 लोगों को नहीं, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं एंड 4K में बिल्कुल भी नहीं. 1080p का, 720p का, 480p में शूट हुई है, कुछ कुछ 320p में भी शूट हुई है. So yeah, it's not going to be good, but yeah, story is going to be amazing. So guys, thank you very much for watching this vlog till the end of this vlog. What's the reason? Don't forget to like button and subscribe. Kar with us as always. Shukran with the masala. Take care and do whatever you want, my lovely friends. Adios, amigos. Shabakar. Take care. Bye bye.